हाइना का ये झुंड आज होली खेलने निकलता है घसीटा नाम का ये हाइना होली खेलना नहीं चाहता लेकिन हाइना का पूरा झुंड घसीटे के पीछे पड़ा होता है हाइनास की सोली को पास में बैठा यह शेर भी देख रहा होता है तभी डाकू नाम का यह हाइना अपने साथी गप्पे को बोलता है सुन गप्पे जल्दी से निकाल तेरी पिचकारी और घुसेड़ दे इस घसीटे के ये सुन के घसीटा बोलता है अब इस साले कहने का मतलब क्या है तेरा तभी डाकू बोलता है क्या रे घसीटे हर साल होली पर तेरा यही नाटक होता है लेकिन आज तेरी हम एक ना सुनेंगे तभी मेला नाम का ये हाइना बोलता है डालो इसको डालो कुंडी में ये ऐसे नहीं मानेगा ये सुनकर घसीटा बोलता है सालो हराम खुरो इस बार मुझे छोड़ दो अगले साल मैं पक्का खेलूंगा घसीटे के बोलने के बावजूद भी झुंड के सदस्य घसीटे की एक नहीं सुनते तभी घसीटा इस शेर के पास आता है और बोलता है शेर भाई मेरी मदद करो इन हराम खुरों को यहाँ से भगाओ ये सुनकर शेर मन में सोचता है साला होली के दिन चुप रहने में ही भलाई है वरना ये साले इसको छोड़ मेरे पीछे पड़ जाएंगे इस साल की होली घसीटे पर कितनी बारी पड़ेगी ये जानेंगे पार्ट टू में